हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं अलग अलग ट्यून्स कैसे निकालना है शंख में। ट्यून्स मतलब एक एक करके मैं आपको बोल दूंगा। पहला वाला जो है ऐसा करना है, टू 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 आवाज आएगा। मैं आपको बजा के दिखाऊंगा फिर, लेकिन ऐसा ही करना है आपको। ये फर्स्ट है, तो हम शंख के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे अभी। डिपेंडिंग ऑन द साइज, जो भी शंख का साउंड है वैसा आएगा। अब ये बड़ा है तो थोड़ा इजीली ब्लो कर सकते हैं आप, तो स्टार्ट करेंगे हम अभी। छोटे में रहेगा तो शार्प रहेगा साउंड। तो ये फर्स्ट हो गया, और एक बार देखेंगे। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड को हमको नॉर्मल बजाना है, ऐसा करके फिर बीच में हाई लेना है, जोर से फूकना है, फिर नीचे आना है, फिर नॉर्मल अपना। मतलब आपको दिखाता हूं मैं फर्स्ट। बीच बीच में हाई लो करना है, वो अभी ट्राई करेंगे हम सेकेंड वाले। ये सेकेंड टाइम हो गया। थर्ड में महाभारत में जो यूज करते हैं ट्यून, स्टार्टिंग में थ्रो रहता है, तो उसमें आपको ऐसा फूकना है। थ्रोट से और लिप्स से आपको एयर को कंट्रोल करना है। वो प्रैक्टिस से आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसको, तो वो अभी ट्राई करेंगे हम। तो ये हो गया अपना महाभारत का ट्यून, जो वो साउंड। और एक रहेगा आपका नॉर्मल बजाना है, स्टार्ट टू एंड कॉन्स्टेंटली बजाना है ऐसे। ये एक हो गया। फिर एंड में, ये एंड का इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी मंत्राज टोन्स निकाल सकते हैं, उसी ट्यून में आपको फूकना है। सपोज ओम नमः शिवाय, थ्रोट और लिप्स से एयर को कंट्रोल करना है आपको। ओम नमः शिवाय, श्री गुरुदेव दत्त। फिर कोई रैंडम ट्यून भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि कोई भी ट्यून ले लीजिए, मतलब म्यूजिकल ट्यून ऐसे। तो ये हो गया ट्यून। फिर कोई भी ट्यून आप निकाल सकते हैं, सपोज गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया तीन बार।
तो ये हो गया ट्यून्स का। तो ये दो तीन टाइप्स हो गए जिसमें शंख में हम पिच वेरी कर सकते हैं लिप्स से, और एक रहता है इसमें इधर से भी आप चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली फूकना है हमको वैसे ही, इधर से ऊपर नीचे करना है। ऐसे बंद चालू करके कर सकते हैं, ये भी एक ट्रिक है। तो ऐसे तीन चार ट्रिक्स हो गए, तो आज के लिए इतना ही है। एज एंड वेन कुछ नया आएगा तो फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में हम देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। शंख के साइज के ऊपर आपका थ्रो रहता है, मतलब साउंड रहेगा। बड़ा रहेगा तो इजीली ब्लो होगा, थोड़ा छोटा रहेगा तो प्रेशर लगेगा, आपके एक्सप्रेशन से ही समझेगा। तो ये हो गया ट्यून्स का, अलग अलग ट्यून्स, थ्री फोर ट्यून्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।